रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब ठीक हैं? आज जो पेपर जो बेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये मुताले पाकिस्तान का है, कॉमर्स ग्रुप का है, सेकंड ईयर का। ये पेपर आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है बेटा। इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसकी तैयारी करके जाएँ ताकि अच्छे नंबर ले सकें। अभी आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आया था बच्चों का। उन उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी सप्ली लग चुकी है बच्चों की कि जिसमें बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता कि उसमें भी लगेगी। जैसे बिजनेस मैथ के अंदर सप्ली लग गई, ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के अंदर सप्ली लग गई, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर सप्ली लग गई, क्योंकि बच्चे जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी तो तैयारी कर लेते हैं और जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तैयारी फिर करते नहीं हैं बच्चे, तो ये उनके लिए बड़ी जो है ना प्रॉब्लम की बात है। तो लिहाजा ये अब जो है ना ये मैं तैयारी आप लोगों को एक पेपर के इस तरह की पेपर की तैयारी करवा रहा हूँ कि जो कि इजी पेपर है आप लोगों के लिए और आसान पेपर है। इसकी तैयारी इसके हिसाब से कीजिएगा, गेस पेपर के हिसाब से, ताकि आप लोग नंबर ले सकें। ये इसके अंदर सबसे पहले आपके पास MCQs आते हैं बेटा। MCQs 2019 से लेकर 2014 तक के याद कर लीजिए तमाम MCQs। इसके कुछ इजाफी MCQs मैं जो हूँ वो शेयर भी करूँगा आप लोगों के साथ जैसे इसका सॉल्व पेपर आएगा हमारे पास। इसके बाद हिस्से बे होते हैं जो कि मुख्तसर जवाब के सवालात पर होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। मुख्तसर जवाब के सवालात के अंदर आपको किसी भी 6 सवालात के जवाब तहरीर करने होते हैं पेपर में, किसी भी 6 के जुज़वी जवाब तहरीर करने होते हैं, मुख्तसर जवाब देने होते हैं। 4 से 5 लाइनों में, 6 लाइनों के अंदर इनफ हैं, ख़त्म कर दिए जाएँ। अच्छा इसके अंदर वही बात मैं करूँगा कि जो सवाल है सवाल के अंदर से आपको हेडिंग बनानी होगी, तो सवाल के अंदर जब आप हेडिंग बनाओगे तो आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे और आप नंबर भी अचीव कर सकते हो। इसके अंदर जो सवालात हैं आपके पास उसके अंदर है, आपके पास सवाल के अंदर है तहरीक-ए खिलाफत कब और क्यों शुरू की गई, करारदादे मकासिद के अहम नुकात तहरीर करें, उर्दू ज़बान की तारीख पर मुख्तसर नोट लिखें। अच्छा इसके अंदर जो बेटा आपके पास आ रही होगी हेडिंग वो आप हेडिंग भी बनाएंगे। पाकिस्तान की किसी एक अहम इलाकाई ज़ुबान के बारे में लिखें, इसके अंदर अहम इलाकाई ज़ुबान के अंदर आप सिंधी, बलोची, पंजाबी या पश्तो किसी के बारे में भी लिख सकते हैं जिसके बारे में आपको मालूमात होंगी। अक्वामे मुत्तहिदा के खसूसी इदारों में से किसी 4 के नाम तहरीर करें, ये चारों इदारों के जो आप नाम लिखेंगे वो हेडिंग वाइज करके लिखिएगा, ठीक है, ताकि उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आए आपके पास। उसके बाद इसके सवाल है शॉर्ट के अंदर कि 1973 के आइन के इस्लामी दिफात पर बहस कीजिए, नज़रिए पाकिस्तान की वजाहत कीजिए, पाकिस्तान के कोई 4 ज़रई मसाइल की निशानदेही कीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब और कहाँ अमल में आया, कायदे आज़म के 14 नुकात में से 5 नुकात तहरीर करें, सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात बयान कीजिए, पाकिस्तान के जुग्राफियाई महल वकू की अहमियत बयान करें, जनूबी एशिया के मशहूर 5 सूफिया कराम के नाम तहरीर करें, पाकिस्तान की मईशियत में ज़रात की अहमियत बयान करें, 23 मार्च 1940 की अहमियत पर रोशनी डालिए। ये बेटा टोटल शॉर्ट के अंदर आपके 15 सवालात हैं। पेपर के अंदर आपको आपके पास 6 सवालात आपको करने होंगे, 9 दिए हुए होंगे। ये 15 सवालात मेरे याद कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला इसके अंदर से 6 आपके जुज़वी सवालात बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। और अगर आपने ये 15 याद किए हुए होंगे तो ना आपको बहुत ज़्यादा कोई नोट्स तलाश करने पड़ेंगे, ना कोई बहुत ज़्यादा आपको बुकें पढ़नी पड़ेंगी। इन 15 की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए विथ हेडिंग वाइज, तो आप देखिए कि आपके पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर कितने अच्छे और बेहतरीन मार्क्स आते हैं। अब इसके बाद इसके लॉन्ग के सवालात हैं। लॉन्ग के सवालात के अंदर आपके पास हिस्से जीम होते हैं जिसके अंदर आपको किसी भी 2 सवालों के जवाब तहरीर करने होते हैं इस जीम में से। अब देखें इसके अंदर ना हर दफ़ा डिफरेंट तरीके से वो आते हैं लॉन्ग के सवालात को जज करना आसान बात नहीं थी, ये बहुत मेहनत के साथ ये सवालात बताए जा रहे हैं आपको। इंशाल्लाह ताला जब आपका पेपर आएगा तो आप चेक भी कर लीजिएगा इसके अंदर से कितने परसेंट पेपर लगा हुआ है। इसका जो सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है कि 1940 से 1947 तक के अरसे के दौरान बर सगीर के सियासी हालात का जायजा पेश करें। सवाल नंबर 2 है आपके पास कि पाकिस्तान की सकाफत के नुमाया खद्दोखाल बयान कीजिए। सवाल नंबर 3 है इसके आपके पास लॉन्ग में कि पाकिस्तान के महल वकू की जुग्राफियाई और सियासी अहमियत बयान करें। अच्छा अक्सर अवकात बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर जो लॉन्ग के जो सवाल आते हैं डिटेल वाइज क्वेश्चन आंसर वो कितने लंबे होने चाहिए? बेटा वो आप जितने ज़्यादा लंबे कर सकते हैं उतने करें, आपको टाइम को मैनेज करते हुए आप जितने लंबे पेजेस पे कम से कम 4 साढ़े 4 पेजेस के ऊपर जाएं आपके लॉन्ग के सवाल, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे 1 या 2 नंबर कम उसमें से। जितने पेज कम होते चलाएंगे उतने नंबर भी आपके कम होते चलाएंगे। बच्चे कहते हैं सर हम तो सब करके आए थे फिर नंबर क्यों नहीं मिले? भाई आपने उस तरीके से नहीं किया ना जिस तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहिए था, ठीक है। आपने लॉन्ग कर तो लिया लेकिन अगर आपने डेढ़ पेज पे किया है या 2 पेज पे किया है
तो बेटा आप फिर वो नंबर भी तो एक्सपेक्ट नहीं करें ना कि आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। जिस तरीके से आपको प्रेजेंट करने का कहा जा रहा है आप उसी तरीके से प्रेजेंट करें, फिर आपको क्यों नहीं नंबर मिलेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको नंबर मिलेंगे। सवाल नंबर 4 है, पाकिस्तान को अपने क़याम के बाद जिन इब्तदाई मुश्किल का सामना करना पड़ा तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 5 है, बर्रे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों ने अलहदा वतन का मुतालबा क्यों किया, वजाहत करें। और लास्ट सवाल है इसका कि सवाल नंबर 6, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल बयान करें। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ये जो है इसमें कम से कम आपने लॉन्ग के अंदर 12 खारजा पॉलिसी के असूल लिखने कम से कम, तो इंशाल्लाह ताला आपको नंबर मिलेंगे। विथ हेडिंग वाइज करके लिखिएगा। ये आपका बेटा एक कम्प्लीट लॉन्ग का पेपर है पाकिस्तान स्टडीज़ का कॉमर्स ग्रुप के लिए पार्ट 2 के लिए। इसकी अगर आप लोग तैयारी कर लें तो कोई वजह नहीं है कि आपको इंशाल्लाह ताला नंबर ना मिलें, और इंशाल्लाह ताला आपको नंबर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, क्योंकि वीडियोज़ अब मुसलसल कंटिन्यू आ रही हैं, बच्चों को फिर नहीं मिलेंगी टाइमली, तो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर इंशाल्लाह ताला आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी सजेस्ट करें कि इस चैनल के ऊपर आएँ और इसको देखें। इंशाल्लाह ताला आपका बहुत अच्छे पेपर होंगे, हमारी दुआ है, और इंशाल्लाह ताला पेपर पूरे का पूरा इसी तरीके से आएगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको आप देख ही रहे हैं कि मैं आपको गैस पेपर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो पेपर्स दिए जा रहे हैं आपको, वो सवाल दिए जा रहे हैं जो पेपर्स के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फिर गाइड भी किया जा रहा है आपको। इसके अलावा सॉफ्ट पेपर भी आपको दिखा दिए जाएंगे, आप वो भी चेक कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। दुआ का तालिक, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।